हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो दैट इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये जो टर्म मेगा स्पोरोजेनेसिस है या जो प्रोसेस मेगा स्पोरोजेनेसिस है, ये हमारे लिए कोई नई प्रोसेस या टर्म नहीं है। इससे मिलता जुलता एक प्रोसेस या टर्म हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जब मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस समझाया था, तो मैंने आपसे बोला था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टर्म को समझने के लिए इस पूरे टर्म को तीन पार्ट्स में बाइफर्केट कर दीजिए, माइक्रो, स्पोरो एंड जेनेसिस। तो सिमिलरली हम लोग इस प्रोसेस या टर्म को समझने के लिए भी इसको तीन पार्ट्स में बाइफर्केट करने वाले हैं, एक मेगा, फिर इसके बाद स्पोरो और जेनेसिस। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। स्पोरो का मतलब यहां पे क्या है, स्पोर्स, और कौन सा वाला स्पोर, मेगा यानी कि बिग साइज का मेगा। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स। तो जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, स्पोरो मतलब स्पोर्स का, और कौन से स्पोर्स का, मेगा स्पोर्स का। तो हमने आपको बताया था कि माइक्रो मेल के लिए और मेगा फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो मेल के स्पोर्स को हम लोग माइक्रो स्पोर्स बोलते हैं, और इन केस ऑफ फीमेल्स इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल के स्पोर्स को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर्स बोलते हैं। और मेगा स्पोर के बनने की प्रोसेस को बोल रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स, या फिर अपने डेफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। मैंने आपसे कहा कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन जो है उसको अच्छी तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। तो एक बेसिक डेफिनेशन है जो हम कॉमन यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिफाइन किया था, और सेम सेंटेंस में हम डिफाइन कर रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को। तो डेफिनेशन समझने के बाद हम स्टार्ट करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। बट बिफोर स्टार्टिंग द मेगा स्पोरोजेनेसिस, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट एन एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल को लास्ट वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है ये इनवर्टेड ओव्यूल है, दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल विच इज प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पेसीज। ऑलमोस्ट 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पेसीज में एनाट्रोपस ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है। हम इसको इनवर्टेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये उल्टा होगा। उल्टा का मतलब ये है कि जो ऊपर होना चाहिए वो नीचे होगा, मतलब कि एंटीरियर एंड जनरली ऊपर होगा, दैट इज माइक्रोपाइलर पोल और एंड, लेकिन एनाट्रोपस ओव्यूल के केस में माइक्रोपाइलर पोल जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड साइड में, वाइल चलासल एंड जो कि बेसल एंड या पोस्टीरियर एंड है वो अपवर्ड साइड में होगा यानी कि ऊपर होगा। इस वजह से हम इसको उल्टा बोल रहे हैं, इन्वर्टेड बोल रहे हैं और एनाट्रोपस ओव्यूल बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था कि एनाट्रोपस ओव्यूल में एट द टाइम ऑफ देयर डेवलपमेंट कुछ मैटरनल और पेरेंटल डिप्लॉयड पेरेंकाइमेटर सेल्स एक मास या ग्रुप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं इस तरीके से, और इस मास या ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड पेरेंटल पेरेंकाइमेटर सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलर सेल, या फिर इस पूरे मास ऑफ न्यूसेलर सेल को क्या बोलते थे, न्यूसेलस, इसको हम लोग बोलते थे न्यूसेलस। और इस न्यूसेलर सेल्स को या न्यूसेलस को सराउंड करता था यहां पे दो प्रोटेक्टिव कवरिंग और लेयर, जैसे कि एक कवरिंग मान लो ये हो गया, एक लेयर या कवरिंग ये हो गई जो इसको सराउंड कर रही है, और इसके जस्ट बाहर यहां पे एक और कवरिंग होगी इसको सराउंड करेगी इस तरीके से, इस तरीके से। तो
दीज टू प्रोटेक्टिव कवरिंग जो इसको सराउंड कर रही है पूरे न्यूसिलस को, इन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को हम लोग बोलते थे इंटेगुमेंट, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट, एंड द प्लेस वेयर इंटेगुमेंट इंटेगुमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, ये एक पोर के फॉर्म में अपियर होता है जो कि दिखाई नहीं देता, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, और इस पोर को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, द प्लेस वेयर इंटेगुमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इज माइक्रोपाइल, एंड द एंड जिस साइड माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, जस्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर पोल देयर विल बी योर सलाजल पोर और एंड, जिसको हम लोग पोस्टीरियर या बेसल पार्ट बोलेंगे। तो बेसल या पोस्टीरियर पार्ट ऊपर होगा और एंटीरियर पार्ट नीचे होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल या मीन ओव्यूल है ये इन्वर्टेड है, ये फ्यूनिकल की एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री पे कर्व या टर्न कर जाती है या फिर रोटेट हो जाती है। तो ये जो न्यूसिलर सेल्स हैं इनके लिए हम बात कर रहे हैं, ये जो न्यूसिलर सेल है, पहली चीज तो अभी हमने आपको बताया कि ये होंगी कैसे, पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस का मतलब ये सिंपल परमानेंट सेल होंगी या टिश्यू कह सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये होंगी डिप्लॉयड इन नेचर, इनकी पोलॉयडी कैसी होगी, ये डिप्लॉयड होंगी यानी कि 2n पोलॉयडी होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने भी होंगे वो पेयर्ड होंगे यानी कि वो दो शेट में अरेंज होंगे, और दूसरी चीज ये यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे। तीन इंपॉर्टेंट बातें हमको याद रखनी है न्यूसिलर सेल या न्यूसिलस के लिए, कि पैरेन्काइमेटस होंगी इन नेचर, डिप्लॉयड होगी इसकी पोलॉयडी यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो टू सेट्स में अरेंज होंगे, और ये यूनी न्यूक्लिएटेड होंगी यानी कि पर सेल देयर विल बी अ सिंगल न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। एंड आउट ऑफ ऑल दीज न्यूसिलर सेल्स अ सिंगल न्यूसिलर सेल गॉट डी डिफरेंशिएटेड, यहाँ पे पूरी न्यूसिलर सेल्स में से कोई एक न्यूसिलर सेल क्या हो जाती थी, मान लो डी डिफरेंशिएट हो जा रही है, और उसको हम इस रेड कलर की पेन से शो कर रहे हैं फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है, डी डिफरेंशिएशन होता है इज टू रीस्टोर देयर मेरिस्टेमेटिक नेचर और डिवाइडिंग कैपेसिटी, क्योंकि इसको डिवाइड करके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में डेवलप होना है। तो ये जो पैरेन्काइमेटस सेल है ये जनरली डिवाइड नहीं करेंगी और ये रीस्टोर कर लेंगी अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस व्हाट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। और इस डी डिफरेंशिएटेड न्यूसिलर सेल को, चूंकि अब ये डी डिफरेंशिएट हो गई है, अब इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी आ गई है, तो इसको अब हम न्यूसिलर सेल ना बोल करके बोलेंगे आर्किस्पोरियल सेल, इसको हम लोग बोलते थे आर्किस्पोरियल सेल। तो ये सिंगल आर्किस्पोरियल सेल जो है ये प्रेजेंट होगी एक मेगा स्पोरेंशियम के अंदर या ओव्यूल के अंदर। एंड रेस्ट ऑफ ऑल दीज न्यूसिलर सेल स्टार्ट नरिशिंग टू आर्किस्पोरियल सेल, जितने ये न्यूसिलर सेल्स प्रेजेंट होंगी, बची हुई न्यूसिलर सेल्स वो इस आर्किस्पोरियल सेल को नरिश करना स्टार्ट कर देती है। तो मैंने बहुत बेसिक बात आपको बताई, फिर मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं आखिरी बार, कि बहुत सारी यहाँ पे न्यूसिलर सेल है, उसमें से एक न्यूसिलर सेल जो है वो डी डिफरेंशिएट हो गई और मेरिस्टेमेटिक नेचर को रिस्टोर कर ली है, अब उसको हम आर्किस्पोरियल सेल बोलने लगे हैं, और बची हुई न्यूसिलर सेल इस आर्किस्पोरियल सेल को नरिश करना स्टार्ट कर दी है, यानी कि इनके डेवलपमेंट में इनको फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे ताकि इनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बेटर वे में हो सके। तो एक हमारे पास मिल गई आर्किस्पोरियल सेल, एंड दिस आर्किस्पोरियल सेल विल अंडरगो इन माइटोसिस, ये माइटोसिस में जाएगी यानी कि यहाँ पे एक सेल डिवीजन होगा जिसको मैं बोल रहा हूँ माइटोसिस, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, एंड एट द एंड ऑफ माइटोसिस टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, वन इज प्राइमरी पैराइटल सेल एंड सेकेंड वन इज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये डिवाइड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, अगर न्यूसिलर सेल्स का नंबर कम होगा तो ये डिवाइड करके न्यूसिलर सेल्स बनाएगी। तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स का काम क्या होगा, ये डिवाइड करेंगी तब जब न्यूसिलर सेल्स का नंबर कम होगा। कुछ बहुत अच्छी बुक्स में लिखा गया है कि ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं ये डिवाइड करके प्राइमरी वॉल ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल बनाती हैं। तो प्राइमरी वॉल का मतलब यही हो गया, जस्ट आउटसाइड द आर्किस्पोरियल सेल और जस्ट आउटसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायो सैक, जो यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होगी ये न्यूसिलर सेल्स की ही तो होंगी मल्टीलेयर्ड। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये या तो न्यूसिलस बनाएंगी, या कुछ बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये इंटेगुमेंट्स भी बनाती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये क्या बनाएंगी, न्यूसिलस बनाएंगी या न्यूसिलर सेल्स बनाएंगी, या कह सकते हैं प्राइमरी वॉल ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल बनाएंगे ये। तो एक तो फंक्शन इसका ये हो गया,
प्राइमरी पैराइटल सेल का, लेकिन हम लोग प्राइमरी पैराइटल सेल को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। हमें मतलब है किससे? इस वाली सेल से। इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। आगे चल के इनके नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेज में हम इनको स्पोरोजिनस सेल बोलने लगते हैं। और चूंकि ये कैसी है? डिप्लॉयड। और ये भी कैसी होगी? डिप्लॉयड। ये भी कैसी होगी? डिप्लॉयड। और ये भी कैसी है? डिप्लॉयड है। अब ये जो स्पोरोजिनस सेल है, इट विल एक्ट एज मदर सेल, और वी कैन से मेगा स्पोर मदर सेल। मदर सेल और मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होंगी। उससे भी ज्यादा जरूरी है याद रखना कि ये सिंगली नंबर होंगी। तो इसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको और पीछे ले चलता हूं। जब मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने मेल सेक्स ऑर्गन के लिए फर्टाइल पार्ट आपको बताया था एंथर। और एंथर को हम ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट जब कट करके इसके ट्रांसवर्स सेक्शन पे देख रहे थे, तो हमको हर एक कॉर्नर्स पे, हर एक कॉर्नर पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहा था। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं आपको कि अगर हम एंथर को कट करते हैं तो एंथर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये एंथर होगा। एक थीका, दो थीका, तीन थीका, चार, टेट्रा थीकस अरेंजमेंट होता है अगर एंथर, पूरे एंथर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो। हर एक एंथर के, हर एक थीका में यहाँ पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पे कुछ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड और पैक्ड सेल्स के मास दिखाई देते थे, जिनको हम लोग क्या बोलते थे? स्पोरोजिनस टिश्यू और सेल। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल है, इसमें से मॉडिफिकेशन जब होता था, जब इनके बीच में जो प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन था वो ब्रेक होता था, और यहां पे जस्ट आउटसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम के जो टैपेटम सेल्स होती थी, कैलोज कार्बोहाइड्रेट सिक्रीट करती थी, तो ये सारी की सारी जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, उसमें से हर एक स्पोरोजिनस सेल के बीच में जब प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन ब्रेक हो जाता था और टैपेटम की वॉल से सिक्रीट होता कैलोज कार्बोहाइड्रेट इनकी वॉल पे डिपॉजिट हो जाता था, तब हम इस मॉडिफाइड सेल को बोलने लगते थे माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलिन मदर सेल, या कुछ बुक्स में इसको लिखा गया है पोटेंशियल पॉलिन। लेकिन कम से कम हमको ये याद रखना है कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इन केस ऑफ एंथर बहुत सारी यानी थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स होंगी, वो मॉडिफाई होकर के बनाएंगे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मैंने आपको बताया कि यहां पे थाउजेंड्स ऑफ ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि आगे चल के माइक्रोस्पोर्स बनाएंगी, एंड दे वर टर्म्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलिन मदर सेल और पॉलिन पोटेंशियल, जो कि होंगी कैसी? डिप्लॉयड होंगी। इनका नंबर बहुत ज्यादा होगा, ये हमको याद रखना है। थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हो सकती हैं, और इन सारी की सारी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। व्हाई? इन अ सिंगल मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल, अ सिंगल विग सेल इज रिप्रेजेंटिंग एज मेगा स्पोर मदर सेल। अगर हम मेगा स्पोरेंजियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो एक मेगा स्पोरेंजियम के अंदर एक सिंगल सेल ऐसी होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल, एक मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने आपको बताया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एंथर के हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एमएमसी होंगी, दैट इज पीएमसी या पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन पोटेंशियल। लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में हम मेगास्पोरेंजियम के अंदर देख रहे हैं, और एक मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के अंदर, एक मेगास्पोरेंजियम या एक ओव्यूल के अंदर एक ही मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी। So this big size cell is representing as mega spore mother cell. और ये हमको पता है, अभी हम यहां नहीं आ रहे हैं, सिर्फ हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसके लिए अगर हम बात करें, तो एक अगर इस thousands of microspore mother cell या pollen mother cell में अगर हम एक microspore mother cell के रिस्पेक्ट में बात करें, तो इसमें होती थी meiosis।
क्योंकि मैंने आपको एक बहुत कॉमन बात बताया था कि जहां पे भी आपको मदर सेल लिखा हुआ दिख जाए समझ लीजिए कि मियोसिस जरूर होगी, क्योंकि मदर सेल्स जो होती हैं वो मियोसाइट्स होती हैं और मियोसाइट्स ऐसी सेल्स को हम बोल ही रहे हैं जिसमें मियोसिस होने जा रही है। तो इसमें होगी मियोसिस एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस फोर डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये जो चारों की चारों डॉटर सेल्स होती थी इनको हम लोग बोलते थे माइक्रो स्पोर्स, और ये माइक्रोस्पोर्स इनिशियली फोर के क्लस्टर में प्रेजेंट होते थे जिनको हम लोग क्या बोलते थे माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। बाद में इसमें से हर एक माइक्रोस्पोर, ईच माइक्रोस्पोर कैलेस कार्बोहाइड्रेट के बाद टेट्राड ब्रेक हो जाता था, सारे के सारे माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते थे एंड ईच माइक्रोस्पोर गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन और पॉलन। तो ये बात हमने आपको रिवाइज कराई कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। अगर हम एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें होगी मियोसिस जिससे चार डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी जिनको हम माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे, और इनिशियली माइक्रोस्पोर्स चार चार के क्लस्टर में अरेंज होंगे इनको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। फिर उसके बाद इस टैपेटम की सेल से कैलोस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कैलेस एंजाइम सीक्रेट होगा जिससे ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे और हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता था मेल गैमेटोफाइट में, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते थे पॉलन ग्रेन। तो एक कॉमन बात हम ये बहुत आसान तरीके से ये समझ सकते हैं कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों क्या बनते हैं पॉलन्स बनते हैं या मेल गैमेटोफाइट बनते हैं, क्योंकि हजारों माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, क्योंकि हजारों क्या होती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, क्योंकि बहुत सारी क्या होती हैं स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल है और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में यहां पे होगी मियोसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, यहां पे होगा रिडक्शनल डिवीजन या कह सकते हैं मियोसिस, और यहां पे भी मियोसिस के थ्रू चार डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी और इन डॉटर सेल्स को हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोर्स, मेगा स्पोर्स। लेकिन होगा क्या कि इस चार मेगा स्पोर्स में से आउट ऑफ फोर मेगा स्पोर्स केवल, या हम ऐसे समझ सकते हैं आउट ऑफ ऑल दीज फोर मेगा स्पोर्स तीन के तीन मेगा स्पोर्स, तीन मेगा स्पोर्स क्या हो जाते हैं डीजनरेट हो जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड के साइड में, और एक सिंगल मेगा स्पोर होगा जो कि फंक्शनल होगा एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एंड गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। और इस मेल गैमेटोफाइट को इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट मैं बोल रहा हूं एम्ब्रायो सैक, इसको मैं बोल रहा हूं एम्ब्रायो सैक। तो आप ये समझ सकते हैं कि मेल के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों क्या होंगी एमएमसी होंगी, लेकिन एक एमएमसी या पीएमसी चार माइक्रोस्पोर बनाएगी और हर एक माइक्रोस्पोर क्या बनाएगी मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन बनाएंगे, यानी कि हजारों पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। लेकिन अगर हम मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल के अंदर की बात करें तो सिर्फ एक आर्किस्पोरियल सेल होगी, सिर्फ एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनेगी, सिर्फ एक स्पोरोजिनस सेल होगी, सिर्फ एक एमएमसी या मेगा स्पोर मदर सेल होगी। ये डिवाइड करेगी विद द हेल्प ऑफ मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन, चार मेगा स्पोर्स भले ही प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन माइक्रोपाइलर एंड के साइड में तीन मेगा स्पोर डिजनरेट हो जाएंगे, एक सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर जो होगी वो कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी दैट इज एम्ब्रायो सैक। तो ये कॉमन डिफरेंस था या कंपैरिजन था जो हमने आपको बताया। अब इतना समझाने के बाद मुझे लग रहा है कि आप इस जोन में आ चुके हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो मेगा स्पोरोजेनेसिस को समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं रह गया है। अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और ये कंपैरिजन बिटवीन मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझ में आ रहा है तो हम मेगा स्पोरोजेनेसिस एक्चुअली समझ चुके हैं, जो हम सिर्फ एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो मेगा स्पोरोजेनेसिस
तो बहुत ज्यादा और समझने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि सारी चीज जो हमारे सिलेबस में है अबाउट मेगा स्पोरोजेनेसिस वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। तो मैं यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए स्टार्ट कर रहा हूं आपके प्राइमरी स्पोरोजेनेसिल और स्पोरोजेनेसिल से। तो मैंने आपको बताया कि यहां पे है आपका ये ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर यहां पे प्रेजेंट है एक सेल, और इस सेल को मैं बोल रहा हूं, इस सेल को मैं बोल रहा हूं स्पोरो जीनस सेल। ये स्पोरोजीनस सेल आई कहां से? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहां से आई? जब आर्किस्पोरियल सेल में माइटोसिस हुआ तो एक प्राइमरी पैराइटल सेल और एक प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनी। और आर्किस्पोरियल सेल कहां से आई? आर्किस्पोरियल सेल बनी है पैरेन्काइमेटस न्यूसेलर सेल्स और न्यूसेलस के सेल्स में से विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, डी डिफरेंशिएशन। तो आपको समझ में आ गया कि न्यूसेलर सेल्स में से एक न्यूसेलर सेल जो है वो डी डिफरेंशिएट हुई, उसको हमने आर्किस्पोरियल सेल बोला, उसमें हुई माइटोसिस, एक प्राइमरी पैराइटल सेल बनी, उसने क्या किया, वॉल ऑफ क्या बनाया, वॉल ऑफ ओव्यूल, क्योंकि एंथर में वॉल ऑफ एंथर बनाती थी, तो यहाँ पे प्राइमरी वॉल ऑफ ओव्यूल बना रही है, हम कह रहे हैं न्यूसेलस बना रही है। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो उनने क्या बनाया, स्पोरोजिनस सेल, और स्पोरोजिनस सेल जो है वो मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है विद द रेड कलर मार्क। अब ये जो स्पोरोजिनस सेल है, ये जो स्पोरोजिनस सेल है, इस स्पोरोजिनस सेल की अगर हम बात करें तो एक बहुत कॉमन बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पोरोजिनस सेल जिसको हमने यहां पे रेड सर्कल से रिप्रेजेंट किया है ये डिप्लॉयड होगी, क्योंकि अभी तक कहीं पे किसी भी तरीके की ऐसा सेल डिवीजन नहीं हुआ है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस कर देता हो, यानी कि जहां भी हुआ होगा सेल डिवीजन वो माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन हुआ होगा। अब ये जो स्पोरोजिनस सेल है, अगर हम इस स्पोरोजिनस सेल को इस सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो स्पोरोजिनस सेल है यहाँ पे सेंटर पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि कैसा है, डिप्लॉयड है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे साइटोप्लाज्म है जिसमें अदर सेलुलर कॉम्पोनेंट्स वगैरह प्रेजेंट है, और इस सारे साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है हर एक लिविंग सेल पे एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कॉमन सेल की तरह है, जैसे कि हर एक एनिमल या प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होंगे, उसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स होंगे, और इस पूरी चीज को सराउंड कर रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरी चीज को सराउंड कर रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी जो स्पोरोजिनस सेल है, ये स्पोरोजिनस सेल एक्ट करेगी एज मदर सेल, मदर सेल, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एम सी, या फिर इसको हम अगर फीमेल के लिए लिख रहे हैं तो इसको हम लोग यहां पे एक्सक्लूसिवली रिप्रेजेंट करेंगे एज मेगा स्पोर, एज मेगा स्पोर मदर सेल, और शॉर्ट फॉर्म में या एब्रीविएटेड फॉर्म हम इसका लिखेंगे एज एम एम सी, मेगा स्पोर मदर सेल। तो फिर वही बात आती है कि अगर मेगा स्पोर मदर सेल की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे भी मदर सेल वर्ड लिखा हुआ है, और अगर मदर सेल लिखा हुआ है तो इसमें होगी मियोसिस। जब भी मदर सेल कहीं पे लिखा समझ में आ जाए तो सेल के रिस्पेक्ट में मदर का मतलब होता है मियोसाइट, मदर सेल का मतलब होता है मियोसाइट, और मियोसाइट में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, यानी कि यहां पे आप कौन सा डिवीजन होने वाला है, मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, द सेल डिवीजन विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाय हाफ। अगर पेरेंटल सेल में 10 है तो डॉटर सेल्स में 5-5 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए सेल डिवीजन के, माइटोसिस और मियोसिस के कम से कम। तो जब मैंने 11th क्लास में आपको मियोसिस पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि मियोसिस जो है ये टू स्टेजेस में या टू स्टेप्स में कंप्लीट होगा, एक को हम बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट एंड एक को बोलेंगे मियोसिस सेकंड। तो यहां पे होगा, सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस अगर हो रही है इसमें तो सबसे पहले यहां पे होगा मियोसिस फर्स्ट, जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस कर देगा, यानी कि हम इस स्टेज को बोलेंगे या इस स्टेप को बोलेंगे रिडक्शन या रिडक्शनल डिवीजन,
और आपको पता है कि जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तो दो डॉटर सेल्स बनेंगे और उन दोनों डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम एक सेल से कितनी सेल बना ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा कैरियोकाइनेसिस, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज साइटोकाइनेसिस। यानी कि एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी, दो सेल। तो एक सेल ये बन गई इसका न्यूक्लियस और एक सेल ये बन गई, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट होंगे। तो इन डॉटर सेल्स को अगर हम देखें तो बनी हुई है किससे, मदर सेल से। कौन सी मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से। तो इन डॉटर सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर्स। और चूंकि ये दो मेगा स्पोर्स एक साथ हैं तो इसको हम बोलेंगे मेगा स्पोर डायड, इसको हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोर डायड। अब इसके अभी तो मियोसिस कंप्लीट हुई नहीं है, इसके जस्ट बाद एक और बार मियोसिस होगी, यानी कि मियोसिस टू, तभी तो कंप्लीट मियोसिस बोलेंगे इसको हम। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई तो मेगा स्पोर डायड बना, दो मेगा स्पोर्स बने। अब होगी इस पे मियोसिस टू, और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मियोसिस टू जो है ये जस्ट लाइक माइटोसिस, यानी कि ये इक्वेशनल डिवीजन की तरह होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मियोसिस टू। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या कि मियोसिस टू का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मियोसिस एक स्टेप पे नहीं कंप्लीट हो रही है माइटोसिस की तरह, या फिर मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड क्यों जरूरी है, अगर मियोसिस सेकंड नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी सेल्स में, ये होमवर्क है आपके लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जब मियोसिस टू कंप्लीट होगी तो यहां पे सेल डिवाइड करेगी, कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कितनी सेल बन जाएंगी, दो सेल्स, एक सेल ये इसका न्यूक्लियस, एक सेल ये इसका न्यूक्लियस। और इसमें भी कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तीसरी सेल और ये हो गई चौथी सेल। तो चार सेल्स बन गई। इन चारों सेल को मैं बोल रहा हूं मेगा स्पोर्स। और चूंकि ये चार मेगा स्पोर्स एक साथ आपको दिख रहे होंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेगा स्पोर टेट्राड, क्योंकि ये क्या है, कितनी है, चार है, मेगा स्पोर टेट्राड। तो यहां पे अगर आप देखिए तो एक स्पोरोजिनस सेल थी, ये एमएमसी की तरह एक्ट कर रही है, यानी कि इसको हम मेगा स्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। पहली बार इसमें जब मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट, तो एक से कितनी बन गई, दो, यानी कि यहां पे दो मेगा स्पोर्स बन गए। फिर मियोसिस सेकेंड हुआ तो दो से कितनी बन गई, चार, दो ये और दो ये, चार मेगा स्पोर्स एक लाइन में अरेंज है यहां पे, इनको हम बोल रहे हैं मेगा स्पोर टेट्राड। और जो मेगा स्पोर टेट्राड में मेगा स्पोर्स का कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, इट इज लीनियर अरेंजमेंट। मैंने आपको ये बताया कि मेगा स्पोर्स अरेंज होते हैं एक सीधे लाइन में मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, और ऐसे अरेंजमेंट को मैं बोल रहा हूं लीनियर अरेंजमेंट। जब मैंने आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड पढ़ाया था तो बताया था कि माइक्रोस्पोर टेट्राड में जो अरेंजमेंट है माइक्रोस्पोर्स का वो कई तरीके से हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट है वो क्या था, टेट्राहेड्रल। जबकि यहाँ पे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेगा स्पोर्स इन मेगा स्पोर टेट्राड इज लीनियर अरेंजमेंट। तो ये एक लाइन में यहाँ पे अरेंज है। तो अगर हम इस मेगा स्पोर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है और यहाँ पे क्या है, चलाजल एंड है। तो ये जो ब्लू कलर वाला मेगा स्पोर है माइक्रोपाइलर एंड के तरफ, ये वाला 1, 2, 3, ये तीन मेगा स्पोर्स डिसजनरेट हो जाएंगे। यानी अगर हम यहां पे देखें तो ये हो गया चलाजल एंड और ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड के साइड से 1, 2, 3, यानी कि चार मेगा स्पोर्स में से चलाजल एंड के माइक्रोपाइलर एंड के साइड में तीन मेगा स्पोर्स क्या हो जा रहे हैं, डीजनरेट हो जा रहे हैं, डीजनरेटेड। और ये जो मेगा स्पोर है चलाजल एंड के साइड में, एक सिंगल मेगा स्पोर, तो चलाजल एंड के साइड में एक सिंगल मेगा स्पोर फंक्शनल होगा,
फंक्शनल होगा, और ये जो सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर है आउट ऑफ ऑल दीज फोर मेगा स्पोर्स, ये डेवलप होगा एक कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट में, एक कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट में। और इस कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट की बात अगर मैं करूं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो इस मेगा स्पोर को इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट मैं बोल रहा हूं एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक। जबकि अगर मैं बात करता हूं फीमेल गैमेटोफाइट की इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स में फीमेल गैमेटोफाइट को बोलेंगे एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए, अगर चाहे तो आप इसको नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको बहुत तेजी से रिकैप करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये है ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, चलासल एंड ऊपर, माइक्रोपाइलर एंड नीचे, इनवर्टेड ओव्यूल। यहाँ पे बहुत सारी न्यूसुलर सेल्स में से एक सेल आर्किस्पोरियल सेल बनाएगी, आर्किस्पोरियल सेल स्पोरोजेनस सेल बनाएंगी, और ये जो स्पोरोजेनस सेल है ये कैसी है, डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड होने के साथ साथ ये सिंगल इन नंबर है, यानी कि एक होगी। ये एक्ट करेगी मेगा स्पोर मदर सेल की तरह, और मेगा स्पोर मदर सेल का नंबर भी कितना होगा, एक, और ये भी कैसी होगी, डिप्लॉयड। इसमें हो रहा है कौन, डिवीजन, मियोसिस, यानी कि यहाँ पे मियोसिस वन एंड मियोसिस टू को हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस चार डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोर्स, या फिर इस पूरे के पूरे मेगा स्पोर, जिसमें चार है क्लस्टर को हम बोल रहे हैं मेगा स्पोर टेट्राड, कितने हैं, फोर। तो आपको पता है कि मियोसिस होगी तो ये जितने भी मेगा स्पोर्स होंगे, इवन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो दो मेगा स्पोर बने हैं जिनको हम मेगा स्पोर डायड बोल रहे हैं, ये कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड। अगर इनकी पोलॉयडी मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा, एन, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक सिंगल सेट में अरेंज होंगे। ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। तीन डिजनरेट हो जा रहे हैं, एक सिंगल क्या है, फंक्शनल है, तो एक सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर जो चलासल एंड की तरफ प्रेजेंट है, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा, कितना होगा, एक होगा। ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट भी कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा, फीमेल गैमेटोफाइट भी क्या होगा, हैप्लॉयड। तो ये गैमेटोफाइट जो है इसके आगे का जो जनरेशन है इसको हम बोल सकते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन का मतलब जहां से पोलॉयडी क्या स्टार्ट हो गई हो, हैप्लॉयड, यानी कि एन। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, यहाँ पे नॉन फंक्शनल है तो इनकी हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो यही लिख सकते हैं। तो हम यहां पे लिख के आपको बताते हैं, यहीं पे बताते हैं कि ये जो मेगा स्पोर बना है ये कैसा है, हैप्लॉयड। और हैप्लॉयड जनरेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो अगर हम ये कहें कि फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन कौन सी होगी, तो मेगा स्पोर होगी। इसी तरीके से हमने बात किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे कि माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो फर्स्ट सेल होते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन के। मैंने आपसे पूछा था कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन के फर्स्ट सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, होमवर्क में शायद किसी ने नहीं किया था, ठीक है, ये अपना अपना इंटरेस्ट है, नहीं मन रख रहा है मत पढ़ो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट गैमेटोफिटिक फर्स्ट सेल होगी गैमेटोफिटिक जनरेशन की, उसको हम लोग बोलेंगे स्पोर या मेगा स्पोर बोलेंगे, किसमें, फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में, माइक्रोस्पोर बोलेंगे मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन इज माइक्रोस्पोर एंड फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन इज मेगा स्पोर। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर कंप्लीट क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को हम एंजियोस्पर्म में क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रायोसैक। तो एम्ब्रायोसैक के लिए एक तो बात हमको ये समझ में आ गई,
कि ये एक सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर से बना हुआ है, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी एक बात सिर्फ ये जान लीजिए कि ये होगा कैसे हैप्लॉइड, ये होगा कैसा हैप्लॉइड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको बताया कि गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनेगा गैमेट। तो एक्चुअली ये जो एमएमसी है, मेगा स्पोर मदर सेल है, इससे इस मेगा स्पोर के बनने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस बोला था मैंने, तो मियोसिस के थ्रू मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स के बनने की प्रोसेस को बोल रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। एक बार लास्ट टाइम हम ये बता रहे हैं आपको कि मियोसिस के थ्रू मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोल रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस हम यहां से लेकर के यहां तक की प्रोसेस को बता रहे हैं, या फिर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस रिप्रेजेंट करेगा यहां से लेकर के यहां तक की प्रोसेस को, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स के बनने की प्रोसेस को थ्रू मियोसिस हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। लेकिन ये सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर से, इस सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर से इस फीमेल गैमेटोफाइट का बनना जो है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन डिटेल।